हाय फ्रेंड्स, आज मैं होली के दिन कॉलीफ्लावर का भजिया और एक बैगन और आलू का भजिया बताऊंगी किस तरह से करना है बेसन का। ठीक है, तो चलिए। मैंने एक कप, ये देखिए, बैगन को और आलू को इस तरह से मैंने पहले काट लिया, ठीक है, फिर धोकर रखी हूँ। अब 1.5 कप बेसन में 1 चम्मच हल्दी, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर और ये ब्लैक पेपर पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा सा, फिर गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, ठीक है। और अब नमक अपना देखकर, जितना हम काट कर रखे हैं घोल को देखकर, और 1 चम्मच सूजी भी डाल दी। अब देखिए, कुकिंग सोडा 1 पिंच, ओके, जस्ट डालने का। अब मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट करके रखी हूँ, 2 बड़ा चम्मच डाल दी हूँ, और जितना भी लगा था सब साफ करके उसमें ले रही हूँ। और उसी मिक्सर में और थोड़ा मैं रख दी हूँ बैगन में उसमें डालने के लिए। अब जितना जो पेस्ट लगा था ना, उसी में पानी डालकर सबको अच्छी तरह से पहले थोड़े थोड़े पानी में डालकर गाढ़ा घोल करूँगी, ताकि किसी में गुठली बनकर ना रहे। फिर उसके बाद ये थोड़ा जाड़ा हो जाएगा तो उसी में पानी डालकर फिर डाल दूँगी, लिक्विड बना दूँगी जितना अपने को चाहिए। अब मैं ये कॉलीफ्लावर भी गर्म पानी में छान कर रख दी हूँ, ताकि जितने से अब उसके अगर बैक्टीरिया भी होगा तो वो निकल जाएगा। तो उसको पहले ऐसे साफ़ करके अच्छे से निकाल लेने का, ज़्यादा नहीं पकाने का, बस जैसे ही उबलता हुआ गर्म पानी में डालकर छान कर उसको 2 मिनट में निकाल देने का। अब देखिए, उसका मैं पेस्ट बना रही हूँ, बेसन का घोल बना रही हूँ, ताकि हम कॉलीफ्लावर का भी डीप फ्राई करेंगे तो सबको पहले बना कर ऐसे रख देती हूँ। इस तरह ऐसे लिक्विड होना चाहिए, बहुत टेस्ट लगता है, बहुत क्रंची लगता है खाने में, ठीक है। आप देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, इस तरह का होना चाहिए लिक्विड। अब ये रख दी हूँ घोल करके। अब जो बैगन, एक बैगन और पोटैटो, 3 पोटैटो को ऐसे राउंड राउंड काट कर रख देने का, और उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और वो जो पेस्ट घोल कर रख देने का उसको। अब देखिए, तेल गरम हो गया, इसमें कॉलीफ्लावर को डिप करके उसमें घोल में, बेसन के घोल में डिप करके इसको डिप फ्राई करूँगी। इस तरह आप करके देखिए, बहुत ही टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल और दही पचड़ी और ये भजिया खाओगे तो सुपर लगता है आज के दिन। अब बाकी सब तो हम मीठा स्वीट्स वगैरह खाते हैं, ये भी बनाकर उस दिन खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और ऐसे भी आप सॉस के साथ भी ये खा सकते हो भजिया, ठीक है। देखिए, तो इसमें कच्चा भी नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसे पका दोगे तो आप जो गर्म तेल में, अरे गर्म पानी में से छान कर कॉलीफ्लावर को निकाल दोगे और इस तरह छानोगे, उबाल बॉईल करके निकालोगे तेल में, तो ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, कच्चा नहीं लगता है, ठीक है। इस तरह मैंने सारे कॉलीफ्लावर को डीप फ्राई कर दिया। अब मैं निकाल लूँगी सब पलट के, ज़्यादा मैं ऑयल नहीं डाली हूँ, देखिए इस तरह नॉर्मल, फिर उसको ऐसे पलटने का, दोनों तरफ अपना हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद फिर उसको ऐसे देखते रहने का, पलटते रहने का, और मीडियम आंच में, एकदम तेज नहीं कर देने का, पहले एकदम पूरा उबालने का, ऑयल को ज़्यादा गर्म करने का, हीट करने का, बाद में जब डालते हैं ना तो मीडियम कर देना, वरना तुरंत वो काला काला हो जाएगा। देखिए, अब मेरा ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से हो गया, कलर आ गया ब्राउनिश कलर। अब मैं उसको निकाल दूंगी, ठीक है। इस तरह फिर दोबारा जो भी और बचा है वो भी डाल दूंगी, हो जाएगा। अब मैं स्पून से भी डाल रही हूँ, ऐसे पहले उसमें डाल कर रख देना, फिर वो स्पून से एक एक ऐसे डाल देना, फिर पलट देना। ज़्यादा था तो मैं हाथ में एक एक डाले, अब कम बच गया तो स्पून में डाल सकते हैं। फिर ये पेस्ट अपना काम आएगा, जो बैगन गोल गोल राउंड राउंड करके काटे हैं बैगन और आलू के, उसमें तो इसमें मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसमें तवे में करूँगी बैगन का। देखिए इस तरह, थोड़ा 1 चम्मच ऑयल पहले तवे में लगा देने का, फिर वो घोल में, बैटर में जो डाल कर रखे थे उसमें डिप करके सबको रखने का। फिर 5 मिनट बाद ऐसे पलट देने का दूसरे साइड, ऊपर से ऐसे ऑयल 1 चम्मच डाल देने का, तो ये आराम से हो जाता है खाने में। दाल चावल के साथ ऐसे खाओगे ये भजिया तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, ऐसा अलग सा डिश आप खाइए, दही पचड़ी, दाल चावल और ये बैगन का भजिया, आलू का भजिया और कॉलीफ्लावर का भजिया, इस तरह से आप खाओगे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
ठीक है, ऐसे बैगन को इस तरह से तवे में एक चम्मच तेल डालकर ऐसे फ्राई करोगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसको डीप फ्राई नहीं करते हैं। और आप चाहो तो ये, अगर आपको लगेगा कि ये आलू तो पकेगा नहीं, बैगन पक जाएगा आराम से, तो उसको एक विसल तक 3-4 पोटैटो को ऐसे उबाल लेने का कुकर में, फिर ऐसे राउंड राउंड पीस में काट कर ऐसे आप कर दोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये मैंने कच्चे पोटैटो को लिया था, ठीक है, इस तरह से मैंने डाल कर किया तो बहुत अच्छा लगता है। और दोनों तरफ हो जाने के बाद फिर आप थोड़ा 5-2 मिनट से ढक कर भी रख सकते हो, अगर आलू उबाले नहीं होंगे तो। मैंने देखिए अभी सारा मेरा हो गया और जितना ऑयल बचा था फिर इसमें तवे में वो सीख रहा है और इस कढ़ाई में भी इतना डाल दी हूँ पोटैटो को। तेल कितना महंगा है, और इस तरह से आप करके देखो तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और हर एक चीज़ बस खाली तेल में डीप फ्राई करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस तरह आप तवे से कम ऑयल में भी कर सकते हो। बस दोनों तरफ हम उसे अभी हो जाएगा तो 2 मिनट के बाद इसको पलट देंगे, अपना भी सारा हो गया, देखिए पूरा पक गया ना। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप करके देखिए। ठीक है, इस तरह मेरा बैगन का और पोटैटो का और ये कॉलीफ्लावर का पूरा भजिया रेडी है। और जितना लास्ट में बचा था वो भी सब रख रही हूँ इस तवे में, कढ़ाई में भी आधा रख दी हूँ। और देखिए लास्ट ये सारा हो गया, उसको भी ऐसे पलट दूंगी हो जाने के बाद। देखिए किस आसान है ना, कितना इजी, इतने से कम ऑयल में सारा हो गया। अब उसको पलट देंगे। अगर ये कच्चा आलू ऐसा लग रहा है तो दोनों तरफ सेकने के बाद थोड़ा ऊपर से कवर कर देना 2 मिनट के लिए, फिर निकाल देना, फिर ऐसे फ्राई कर देना, मतलब उस कढ़ाई में भी ऐसे फिर ढक्कन खोल कर रख देना, हो जाएगा आराम से। देखिए इसको भी मैं अभी पलट रही हूँ, ठीक है, इस तरह आराम से हो जाता है, जॉइंट है ना, इसलिए सारा मेरा भी हो गया। अब मैं सर्व करके बताऊंगी, देखिए मेरा रेडी है। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए हैप्पी होली।